हे गाइस, आज मैं तुम सबके लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ। कैसा चैलेंज कजा मैं बताओ तो। अरे शिनचैन, आज हम ये देखेंगे कि हम सब में से कौन है हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर? अरे ऑफ कोर्स वो तो मैं हूँ। अरे मजाओ, वो तो भी पता लग जाएगा। चलो दोस्तों, आज हम लोग खेलेंगे डॉक्टर ड्राइविंग और उसमें देखते हैं कौन सबसे बढ़िया गाड़ी चलाएगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ओके, सो पहला राउंड है हमारा हाईवे, जहाँ पे गाड़ी को एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया तरीके से चलाना है बिना एक्सीडेंट किए। और सबसे पहली बारी है बोचन की। ओके, मैं अपनी वड्डी गड्डी लेके आया हूँ, सबसे ज्यादा वड्डी। अरे वाह बोचन, चलो देखते हैं तुम कैसे चलाते हो। हाँ मसाओ, मुझे पता है बोचन तो ये अपनी वड्डी गड्डी बहुत ही जल्दी से ठोक देगा। नहीं शिनचैन, ऐसा मत कहो। देखो मैं पूरा हैवी ड्राइवर हूँ बचपन से, इसलिए मैं ये गाड़ी ठोक दूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, फिर चलो देखते हैं कि बोचन यहाँ पे गड्डी को ठोकता है या फिर नहीं। ओ ठीक है, ये क्या हो गया? बोचन तुमने गड्डी ठोक दी और वो पुलिस वाली दीदी ने तुमको पकड़ लिया। ये दीदी कितनी सुंदर है ना कजामा। ए शिनचैन, तू जा भी जाता ये कुछ देखा कर। ए, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अरे चल मसाओ, तेरी बारी है, ये शिनचैन को तो इग्नोर ही करो। देखो मैं लेके आई हूँ अपनी छोटी सी गड्डी पिंकी पिंकी। अरे मसाओ, ये छोटी सी गड्डी ये क्या काम आएगी? कजामा, ये छोटी सी छोटी जगह से भी निकल सकती है। तुम देखना मैं कितनी इजीली चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा। मुझे भी लगता है कि छोटी गड्डी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। हाँ शिनचैन, ये हुई ना बात। देखो बोचन, तुम्हारी बड़ी गड्डी से बढ़िया मेरी छोटी गड्डी है। हाँ ठीक है ठीक है, अगर जीतोगे तो मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। अच्छा तब देखो मैं कितनी फुल स्पीड पे जा रहा हूँ, और अभी देखो मैं जीत भी जाऊंगा। अरे भाई मसाओ तो पूरा कॉन्फिडेंट लग रहा है, चलो देखते हैं मसाओ की हैवी ड्राइविंग। ओ यार मसाओ तो मुझे लगता है सच में जीत जाएगा। हाँ बोचन बिल्कुल सही गेस किया। मसाओ तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, करते रहो। हाँ शिनचैन देखना मैं पक्का जीतूंगा। और ये बस अभी, अरे अरे अरे, ये सामने से बस जा रही है, इससे तो मैं आराम से बच गया। आगे चलो आगे चल मेरी पिंकी। अरे मेरी पिंकी तो बहुत बढ़िया चल रही है, देखो वो आगे। अरे अरे कब आएगी कजामा फिनिश लाइन? अरे मसाओ बस आने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है और मुझे लगता है मसाओ जीत जाएगा। हाँ वो देखो फिनिश लाइन आ गई। ये मेरी छोटी सी गड्डी ने अपना कमाल दिखा दिया, मैं हूँ हैवी ड्राइवर। अरे वाह मसाओ, मान गई तुझे, तू तो बढ़िया खेला। हाँ यार मान गया मैं भी नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी छोटी गड्डी लेके आऊंगा, क्योंकि बड़ी गड्डी तो भाई बहुत मुश्किल है चलानी। बिल्कुल सही बोले बोचन। ओके अब मेरी बारी है, और मैं देखो कितनी बढ़िया कार लेके आया हूँ। मैं ये कौन सी कार है? अरे शिनचैन ये है मेरी स्पेशल जीप। कहीं से जीप लग तो नहीं रही? अरे मतलब उसके जैसी है। चलो तुम लोग मेरी हैवी ड्राइविंग देखो। वैसे तो मैं सच बताऊँ तो मैं ड्राइविंग में बहुत ज्यादा प्रो हूँ, मेरे से काफी लोग ड्राइविंग सीखते रहते हैं, और मैंने काफी लोग को जो है मेरी ड्राइविंग का ज्ञान भी दिया है। तो लाइक मैं एक्सीडेंट करूंगा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कजामा तुम सब लोग जानते हो कजामा तो है इतना प्रो, और देख सकते हो मेरी हैवी ड्राइविंग, मैं तो इतना ज्यादा प्रो हूँ ना कि मैं तो इतनी छोटी छोटी जगह से भी अपनी वड्डी से गड्डी निकाल सकता हूँ। जैसे अब देख लो यहाँ पे कितनी सारी गड्डियाँ जा रही हैं, लेकिन मैंने एक में भी ठोका क्या? चलो बताओ बताओ क्या मैंने एक गाड़ी में भी ठोका? अरे बताओ ना, तुम लोग चुप क्यों हो यार? देखो मेरी ड्राइविंग इतनी ज्यादा प्रो है कि मैं किसी गाड़ी को ठोकता तक नहीं हूँ। अब तुम लोग ही बता दो, देखो मैं कितनी तेज जा रहा हूँ, और अब तुम लोग सोच रहे हो बकबक करे जा रहा है, लेकिन बात वो नहीं है, बात मेरी प्रोनेस की है। मैं बताता हूँ, तुमने व्हाइट वाली कार को ठोका और रेड वाली कार को ठोकने वाले थे। हाँ, और जो तुमने इतनी बकवास की है ना कजामा, मेरे तो सर में दर्द होने लग गया। हाँ, बिल्कुल सही बोला, ये देखो मेरी कार। अरे वाह शिनचैन, तुम्हारी कार कितनी बढ़िया है। हाँ मसाओ, ये कार मैं पता है कहाँ से लेके आया था। कहाँ से लेके आए थे शिनचैन? कहीं से तो लेके आया था, अब मुझे याद नहीं। वाह ये सुन लो पहले। अब तुम लोग मेरी हैवी ड्राइविंग देखना चाहोगे? देखो मैं नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, और मैं सबसे पहले फिनिश लाइन को टच करूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैंने इतनी बकबक कर लिया तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं।
हाँ बिल्कुल सही बोले कजामा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे सिर में दर्द होने लग गया है। अच्छा सॉरी सॉरी यार, मैं समझ रहा था ना कि मैं ज्यादा ही बड़ा हैवी ड्राइवर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे कर दूंगा। देखो कजामा ने चैलेंज दिया है और ये खुद ही हार रहा है। हाँ कजामा नूब। अरे तो तू कौन सा जीत गया, तू भी तो हारा ही था। हाँ जीता तो सिर्फ मैं हूँ और मैं भी मसाओ। शिंचन तुम्हारा भी चल रहा है। देखो मैं तुमसे भी बढ़िया करूँगा मसाओ। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज है। अरे ये शिंचन की तो रेसिंग वाली गाड़ी ही लग रही है भाई, कितनी बढ़िया कार लेके आया है। हाँ और ये देखो कितना फास्ट जा रहा है ये, कितनी सारी गाड़ियों से तो ये आराम से बच के जा रहा है। शिंचन तुम्हारी ड्राइविंग तो सच में हैवी ड्राइवर वाली है। थैंक यू बच्चन। और देखो फिनिश लाइन आने ही वाली है। और ये शिंचन रेस जीत गया। अरे वाह, इसने तो सच में बहुत ही जल्दी रेस कम्प्लीट कर दी और इसने न्यू रिकॉर्ड बना दिया। मेरा रिकॉर्ड तो शिंचन ने तोड़ दिया। वाह शिंचन मान गए, तुम भी मसाओ की तरह हैवी ड्राइवर हो। मसाओ से भी बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है मान गए हम लोग। सो गाइस, अब दूसरा चैलेंज है पार्किंग चैलेंज। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी को पार करना है। ओ देखो इस बार मैं छोटी वाली गाड़ी लेके आया हूँ। ये कहाँ से छोटी लग रही है बूचन? ए मसाओ फिर भी मेरी पिछली वाली से तो छोटी है। हाँ वो तो है। हाँ ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कार पार्क करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मैं काफी एक्सपर्ट हूँ। ओ हाँ बूचन, मुझे भी लगता है कि तुम बहुत ही बढ़िया पार्क करोगे। हार मत मानना, तुम ये कर सकते हो। हाँ मसाओ थैंक यू तुम्हारी सस्ती मोटिवेशन के लिए। अरे वाह मसाओ बूचन को मोटिवेट कर रहा है। मसाओ का मोटिवेशन बूचन के बहुत काम आएगा क्योंकि मसाओ जैसे लोग जो मोटिवेट करते हैं तो हमारे अंदर तो क्या बोलते हैं, जोश अपने आप आ जाता है। हाँ ये देखो जोश अपने आप आ जाता है। कजामा तुम ये क्या बोल रहे हो? तू कुछ भी मत बोला कर शिंचन, मसाओ मोटिवेट करेगा तो जोश कैसे आएगा? वो आ ही जाता है कजामा क्योंकि ये क्या हो गया, ज्यादा ही जोश आ गया था मुझ में इसलिए मैंने ठोक दिया। मसाओ जैसे लोग मुझको मोटिवेट कभी ना करे भगवान। सॉरी सॉरी बूचन, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। इस बार मेरे देखो, इस बार मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से पार्क करूंगा। ठीक है मसाओ, चलो दिखाओ अब तुम कैसे पार्क करोगे। हाँ शिंचन दिखाता हूँ, लेट्स गो मेरी गाड़ी। ये चली मेरी गाड़ी, चुक 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 रेल गाड़ी चुक। अरे ये रेल गाड़ी नहीं है मसाओ। सॉरी सॉरी, चली मेरी गाड़ी चुक चुक चुक, लाल गाड़ी चुक चुक चुक, ओए लाल गाड़ी। हाँ मसाओ लाल गाड़ी है, बिल्कुल सही बोला। मसाओ तो बड़ी तेज जा रहा है, मुझे लगता है मसाओ बहुत ही आसानी से पार कर देगा। हाँ शिंचन मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है और देखना मैं बहुत ही आसानी से करूंगा ये। सो यहाँ पे मसाओ पार्किंग वाले एरिया में पहुँच चुका है और अभी मसाओ को यहाँ पे गड्डी को पार्क करना है। हाँ शिंचन रुको करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे को रिवर्स लेना पड़ेगा। ओके सो मैं आगे जाऊँगा, अब थोड़ा सा फिर से रिवर्स लूंगा। ये घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, अभी गाड़ी से टकरा देता मैं पीछे। ओके आगे, उसके बाद रिवर्स, घूम जा 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 और घूम जा और घूम जा, बस हो ही गई। ये क्या हो गया? अरे मसाओ गाड़ी से तो ठीक है तू बच गया, लेकिन पीछे कैसे बचेगा? पीछे भी से भी तो बचना होता है नूबड़े। अरे कसामा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं क्या बताऊँ, छोड़ अभी मेरी बारी है। देखो भाई अब सच बताऊँ तो हैवी ड्राइविंग तुम लोग में से तो होने नहीं वाली, तो मेरे को देखो मैं पार्किंग कैसे करता हूँ, मुझसे सीखना ठीक है? अच्छा ठीक है कजामा, तुम ही सिखा दो हमें कैसे पार्किंग करते हो। हाँ हाँ अभी सिखाऊंगा तुम लोग को, बस अभी तुम लोग देखते रह जाओगे। ये चली मेरी गाड़ी और ये मैंने मारा यहाँ से टर्न और उसके बाद आगे चलो आगे चलो आगे चलो, अब देखना मैं कितनी फास्ट टर्न मारूंगा। अरे यार इसने तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, अभी मैं फास्ट टर्न मार ही सकता था। भाई कजामा यहाँ पे पार्किंग एरिया में पहुँच चुका है, अब पार्क करके दिखाओ। हाँ बोचन करता हूँ, अब तू देख यहाँ से तुम्हें ना बहुत ज्यादा काम रहना है और जब तुम काम रहोगे ना तो सही से पार कर पाओगे। लो इसका भाषण फिर से शुरू हो गया। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा काम रहना है और ना आराम से पार्किंग करनी है, लाइक जैसे मतलब आप ना स्वर्ग में हो और ऐसा मतलब आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं देना, पूरा जो है पार्किंग पे आपको फोकस करना है और जितना पार्किंग पे फोकस करोगे ना उससे अच्छा, उससे ही मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी आपकी पार्किंग हो जाएगी। जैसे मेरे को देखो मैं यहाँ पे रिवर्स लेता हूँ तो कभी कुछ करता हूँ अभी कुछ करता हूँ, अब देखो अब ये मैंने आगे किया और ये पार्किंग हो गई। देखा मेरे ज्ञान आपको लाइक काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चुप हो जाओ कजामा, तुम्हारे इस ज्ञान से तो मेरा सर फट जाएगा। हाँ शिंचन मेरा भी सर तो फटने वाला है। हाँ मसाओ तुम्हारे तो बाल भी नहीं है। ए शिंचन ये क्या मतलब हुआ कि बाल नहीं है? मसाओ सॉरी सॉरी। हाँ मैं शिंचन ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ।
भाई एग्जाम इतना भाषण देता है ना, मैं तो पक जाता हूँ। हाँ अभी मेरी बारी है, और देखो इस समय मैं कौन सी गाड़ी लेके आया हूँ। अरे वाह शिनचैन, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। हाँ मिसाल, मैंने ये कार पता ही कहाँ से ली थी। कहाँ से ली थी? कहीं से तो ली थी, बड़े मैं भूल गया। अगर तुम्हें पता ही नहीं होता तुम बोलते क्यों हो। मिसाल मैं तो बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बोल रहा था। अच्छा चलो कोई ना, ठीक है अब शिनचैन पार्किंग करेगा। चलो देखते शिनचैन कैसी पार्किंग करता है। मैं तो बढ़िया ही करूँगा मिसाल, मैं तो हमेशा बढ़िया ही करता हूँ। हाँ शिनचैन देखते हैं तुम बढ़िया करते हो या नहीं। और यहाँ पे शिनचैन पहुँच चुका है पार्किंग एरिया में। अच्छा शिनचैन जैसे मैंने सिखाया था ना बिल्कुल वैसे करना। मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं तो सीधा ही पार्किंग कर देता हूँ ऐसे। कैसे इसने एक सेकंड में कैसे कर दी? ये तो कैसे कर दिया शिनचैन ने, मुझको भी नहीं पता। अरे भाई शिनचैन ये तो पिछला है, पिछला चैलेंज भी जीत गया, ये वाला भी जीत गया, मान गया शिनचैन तू तो सच में हैवी ड्राइवर है। मेरी एक हैवी ड्राइविंग के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही। हाँ दोस्तों जल्दी से कर दो। ओके बाय बाय।